Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Mohabbat karne wale kam na hoge teri mehfil mein lekin hum na hoge Mohabbat karne wale kam na hoge Zindagi ki is bheed mein tumhe beshumar log milenge बेशुमार रिश्ते टूटेंगे और बनेंगे लेकिन माँ बाप का रिश्ता दोबारा कभी नहीं आएगा। जो केयर हॉस्पिटल में होती है घर पे कहाँ हो सकती है? नहीं भाई, दुनिया वाले क्या कहेंगे, माँ बाप से तंग आके हॉस्पिटल में जाओ। कल रात को वो गिर गई थी ना, बहुत चोट लगी, बहुत तकलीफ में। तो फिर काम करना के जारा को 700 लेके जाए। भाई मुझे लगता है जारा वहां पर बोर हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ तो किसी वजह से कह रहा हूँ, कभी कभी बड़ों की बात मान लेते हैं। मम्मी ये भी कोई बात हुई भला? ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात हो गई है। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। फ्लोरा है, आपको चाहिए था कि आप फ्लोरा को आवाज दे देती या इनको बुला लेती। इनको तो सुनाई भी नहीं देता हेयरिंग एड के बगैर। तो मम्मी फ्लोरा को बुला लेती, उसको आवाज दे देती। आपको जरूरी था उठ के जाना खुद? पता नहीं, लेकिन ये जो जुनेद और जुबैर की बीवियां हैं ना, ये मेरी चाय में कुछ ना कुछ मिला देती है। और सुनो, तुम कौन हो? हमारे किराएदार की बेटी हो क्या? मामी मैं आपकी बेटी हूँ, पॉपी, आपकी छोटी बेटी पॉपी। मम्मी और देखिए, सब आपसे कितना प्यार करते हैं और आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतनी चाहने वाली औलाद मिली है। तुम्हें क्या पता पॉपी, तुम कुछ नहीं जानती हो। मम्मी असल में पता है बात क्या है, आप बूढ़ी हो गई हैं। देखिए मम्मी, आप कुछ एक्टिविटी करेंगी, बिजी रहेंगी, तो इस किस्म की आपको थॉट्स नहीं आएंगी। अब आप मुझे ही देख लें, मैं कितना अपने आप को बिजी रखती हूँ और इसी वजह से मैं एक्टिव भी रहती हूँ। आप भी प्लीज बिजी रहना शुरू कर दे मम्मी। लेकिन पॉपी मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती ना, चल नहीं सकती। मम्मी तो आपको विल पावर से काम लेना होगा ना। आपको चाहिए आप थोड़ी एक्टिविटी करें, थोड़ा बिजी हो। और आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत थी, अब नहीं क्या? बस देखा ना, फिर वही बात, इस तरह की बातें करके आप दूसरों को भी परेशान करती हैं और खुद भी परेशान होती हैं। जरा सोचिए मम्मी कि जारा की शादी सर पर है, रमजान आने वाला, सब इतने बिजी हैं और आप खुदा के लिए इस किस्म के एडवेंचर्स ना करें और दूसरों को परेशान ना करें। You have to take care of yourself, mommy. ठीक है ना? अपना ख्याल रखें, मैं फिर आऊंगी। और डैडी, आप अकेले होते हैं, मम्मी के पास होते हैं, आप तो मम्मी की टेक केयर कर लिया करें ना। ये सब भूल जाती है, अजीब अजीब बातें करती है, कहती है मेरी उनसे शादी हुई है। लुक डैडी, आपको पता है क्या, ओल्ड एज में ऐसा होना नॉर्मल बात है, और भी लोगों के साथ होता है, भूल जाते हैं लोग। और आप दोनों को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? टेक केयर डैडी, ओके, परेशान मत होइएगा। सकी, ये पॉपी कौन है? आप
आपको तो पता है ना पोपी पुप्पो, मैं तो बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करती, इतनी सुलझी हुई लड़की हूँ। और आपको पता है ऐसी लड़कियां तो आजकल के जमाने में मिलती भी नहीं है। और अच्छा, मैं तो बिल्कुल एक्स्ट्रा बात भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल चुपचाप ना अपने काम से काम रखती हूँ, सर नीचे झुका के ना अपने सारे काम करती रहती हूँ। आप बताएं ना पोपी पुप्पो, बताएं ना जरा, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है, वो मुझे कितनी बातें सुना देता है, जब मर्जी आए कोई इधर उधर की बात कर दे मुझे। पिंकी खुदा के लिए, मैं आ गई बहुत टेंशन में, मुझे मजीद परेशान मत करो। एक तो हाशिम की बनी, फिर जारा के जोड़े, इन दोनों के कपड़ों के चक्कर में मेरे अपने जोड़े रह गए। रमजान आ गया तो क्या करूंगी मैं, बताओ, मेरे पास तो पहनने के लिए जोड़े ही नहीं है। ऊपर से कामरान के फ्रेंड्स ने पहले ही रोजे वाले दिन इफ्तार पार्टी रखी है, मम्मी ने भी गिर के चोट लगवा लिया, और मैं तो बेटी हूँ, दर्द होता है मुझे, तकलीफ होती है माँ के लिए। अच्छा ना, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर आप एक दफा उसे बोले तो सही कि ना मुझसे ऐसी बातें ना किया करे, काम कराना तो प्यार से कराए ना जरा, मेरी भी इज्जत किया करे वो। पिंकी तुम्हें पता है ना बाले का वो कितना बददिमाग है, अगर मैंने उसे दो बातें सुनाई ना, आगे से वो अपना सारा सामान लिया और ये जा वो जा, फिर मैं क्या करूंगी, जो दो जोड़े मेरे बनने हैं उनसे भी जाऊंगी। अच्छा देखो प्यारी पिंकी, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो ना, और मैंने पता है तुम्हें इस बार कौन सा जोड़ा लेके देना है, 3-पीस सूट लेके देना है, डिजिटल प्रिंट वाला, तुम्हारी पसंद का। और वैसे भी पिंकी रमजान आने वाला है, और तुम्हें पता है रमजान में कोई भी चीज बर्दाश्त करें तो अजर दुगना मिलता है ना। शाबाश, आज नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। फ्लोरा, मेरा परफ्यूम लेकर आओ। पता नहीं कहां चली जाती है, टिकती ही नहीं एक जगह पर। भाई आदमी को तैयार रहना चाहिए ना, बीमारी में भी लोग मिलने आते हैं, पूछने आते हैं। और ये क्या, तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं जकी? चलो बैठो यहां, मैं तुम्हारे बाल ठीक कर। अटेंडेंट हो मेरे, तुम्हें भी तो तैयार रहना चाहिए ना। चुन्नी आराम से बाल नहीं बनवाता, इतना तंग करता है ना स्कूल जाते हुए। और सुबैर कितना अच्छा है, आराम से बाल बनवा लेता है। अगर जुनेद के बाल हैं बहुत प्यारे, तुम्हारी तरह, मगर उसकी आंखें मेरी तरह हैं, हर कोई यही कहता है। कल उसकी स्कूल टीचर भी मुझे कह रही थी कि मिसेस जकी, जुनेद तो बिल्कुल आप पर गया है। याद है जकी, फुटबॉल खेलते हुए जुनेद का सर फट गया था, कितना बहुत सा खून निकला था उसका, टांके भी लगे थे। और मैं सारी रात उसका हाथ पकड़कर बैठी रही कि कहीं नींद में वो सर फट जाए तो बहुत दर्द होता है ना सकी। फ्लोरा, बहुत थक गई हूं मैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे, आकर जरा मुझे लिटा दो। आप लीजिए ना। कैसे लें, हम बेटियों का इंतजार कर रहे हैं, ये बच्चियां कहां रह गई हैं, बहुत देर हो गई है, मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग का टाइम हो गया है। अरे तू कहां रह गई थी बेटा, पापा को लेट हो रहा है। आ गई ना मामा। उफ़ हो जुबैर, खाना खाने के लिए तो कम से कम वक्त निकाल लें, एक ही तो टाइम है जब हम इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। जी आप हमेशा यही गिला करती हैं, लेकिन काम जो होता है ना वो खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस सिलसिले में मैंने हाशिम को ऑब्जर्व किया है, हमारा दामाद जो है ना
इतना डेडिकेटेड है अपने कारोबार के हवाले से, इतना फोकस्ड है कि मैं तो उस लड़के से इंप्रेस हो गया हूँ। शादी के बाद जारा को बहुत समझदारी से चलना होगा। बीवियां सपोर्टिव ना हो ना तो मर्द कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? आज सारा ने इतनी प्यारी और इतनी समझदारी वाली बात की कि मेरा दिल बहुत खुश हो गया। कह रही थी कि मम्मी, दादी की इतनी तबीयत खराब है, हम कैसे शादी कर सकते हैं, आप शादी आगे बढ़ा दें। सोचे, मम्मी ने तो कभी उसको दादी बन के लाड नहीं किया, लेकिन उसे देखें कितना बड़ा दिल है उसका, कितना प्यार करती है अपनी दादी से। उन्होंने तो हमेशा एतराज किया और लेक्चर्स दिए, लेकिन वो कितना प्यार करती है अपनी दादी से। ये जारा कहाँ रह गई है? डिनर के लिए बाहर गई है पापा, खाना खा कर ही आएगी। किसके साथ गई है? मैंने उसको कहा भी था कि बाहर जाना बंद करे, अपने दोस्तों से मिलना। भाई बाहर की चीजें खा लेती, उल्टी सीधी, फिर स्किन खराब हो जाती, तबीयत खराब हो जाती। किसके साथ गई है? हाशिम भाई के साथ गई है डिनर करने, और कह के गई है कि आप लोगों को ना बताऊं। नॉटी गर्ल। I'm so sorry, Zara. Please forgive me, यार. Actually, मैं थोड़ा लेट हो गया था और आपको काफी इंतजार करना पड़ा होगा। वैसे माफ करने से ज्यादा अच्छा है कि आप मेरी लेट आने की आदत डाल लें। Actually, मैं काम में इतना बिजी था, मीटिंग्स हैं, और वैसे भी आज हमारे मिलने का बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और उसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाह रहा था। आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया? और दूसरा, ट्रैफिक एब्सोल्युटली क्रेजी। क्या बनेगा इस शहर का, इनफैक्ट इस मुल्क का? खैर आप बताएं, आपने कुछ जरूरी बात करनी थी मुझसे? जी वो मैंने मम्मा से बात की थी, लेकिन जाहिर है पेरेंट्स हैं तो इस मामले में। कामरान भाई ने आपको बताया तो होगा कि दादी की तबीयत खराब है। तो वो कामरान भाई से मेरी दो दिन से वैसे मुलाकात नहीं हुई है, इतना बिजी था मैं जारा। मगर दादी की तबीयत अब कैसी है? आईसीयू में है? कौन से हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, घर पर ही है। कल रात गिर गई थी वो, चोट आई है उन्हें। तो आप तो बहुत परेशान हुई होंगी। जी बहुत ज्यादा। बस यही तो मसले होते हैं ओल्ड एज के। कोई फ्रैक्चर वगैरह? नहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। चलें बचत हो गई, नहीं तो काफी सीरियस सिचुएशन हो जाती। अभी बहुत सीरियस है हाशिम। वो मैं सोच रही थी कि अगर शादी। कहाँ लगी चोट दादी को? सर में। कहाँ? माथे पर? जी। ओहो, एक बार मैं भी रग्बी खेलते हुए बहुत जोर से गिर गया था और मेरे सर पे चोट आई थी। मैं समझ सकता हूँ कि उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। कहाँ पर चोट लगी है, लेफ्ट पे या राइट पे? आई थिंक नेवर माइंड, मैं भी क्या फजूल सवाल कर रहा हूँ, ये कहाँ याद रहता है कहाँ पर चोट लगी है। खैर आप कुछ शादी की बात कर रही थी। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता दादी की इतनी तबीयत खराब है और शादी घर में, आई मीन कितना शोर शराबा होगा। I'm not feeling good. अगर हम अपनी शादी की डेट को आगे कर दें तो? मुझे कोई इशू नहीं है जारा, शादी की डेट आगे या पीछे करने से, as long as आप मुझसे शादी करना चाह रही हैं। Seriously जारा, मुझे इन छोटी मोटी बातों से कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी सारी मीटिंग्स जो है स्केड्यूल कर चुका हूँ, जितनी भी ट्रैवल मैंने करनी थी मैं कर चुका हूँ। अब वो सारा कुछ मुझे फिर से करना पड़ेगा। मगर जारा प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, जब घर में ऐसे कोई बुजुर्ग हो जिनकी हालत जो है वो ठीक ना हो, तो आपको शादी में देर नहीं बल्कि जल्दी करनी चाहिए, ताकि वो भी शादी में शरीक हो सके। मैं भाई से बात करूंगा कि वो आपके पेरेंट्स से बात करके डेट्स जो है जल्दी करवाएं। वैसे भी मुझे शादी में कोई ढोल धमाका नहीं पसंद है, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना शादी हो जाएगी।
और वैसे भी सिंपल शादी ठीक रहेगी। वैसे आप सूप कौन सा पसंद करेंगे? वेटर, आई फ्लोरा बाजी, मैं तो थक जाती हूँ सारा दिन काम कर कर के। क्यों भला, इंसान जो हूँ, अब इंसान ही तो थकता है ना। हाय, वैसे फ्लोरा बाजी, पिंकी ना काम से कभी नहीं थकती, मगर ये जो बाला है ना, आपको मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। जब मुंह खोलता है ना, आग के गोले बरसता है। इतना कड़वा बोलता है कोई, इतना जला कटा इंसान। मैंने ना कह देना पोपी पुप्पो से कि मैंने नहीं अब गिराज में कोई काम करना। लेकिन बाला दिल का बहुत अच्छा है, तुम इसकी बातों को बुरा नहीं माना करो। हाय फ्लोरा बाजी, दिल किसी ने देखा है क्या? है दिल, कैसा है दिल? सारी चीज ना बंदे का इखलाक होता है। अरे बंदा मुंह का कड़वा हो और दिल मीठा हो, क्या फायदा उस बंदे का। और पिंकी से जो बात करे ना, तो जरा हंस के करे। जो कड़वा होगा वो सड़ा हुआ होगा। चलो छोड़ो फ्लोरा बाजी, मैं ना थक गई। आपकी ड्यूटी भी बड़ी सख्त है, ना दिन है ना रात है। लेकिन अब खादिम हुसैन आ रहा है ना मेरी मदद के लिए। है खादिम हुसैन? अरे परेशान मत हो सकी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, बहुत ज्यादा चोट लगी है तुम्हें। ओल्ड मैन, पहले भी तो मेरे बीमार होने पर इसी तरह परेशान हो जाते थे। बहुत छोटा दिल है तुम्हारा, उस दिल। फिर परेशान होकर मैं क्या करता था? तो मुझे गाना सुनाया करते थे। गाना? मैं गाना सुनाता था? गाना सुनाओ, उससे तुम बेहतर हो जाए। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। गाकर सुनाओ। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जारा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अगर मम्मी की तबीयत खराब है, अगर वो कुछ दिन के लिए शादी आगे बढ़ाना चाहती है, तो इसमें हर चीज़ क्या है। दादी को क्या खबर कि पोती उनसे कितनी मोहब्बत करती है। उन्होंने तुम दोनों को तो बिल्कुल ही कोई लिफ्ट नहीं कराई थी, बस आतिफ को गोद में लिए घूमती थी। जो फर्क उन्होंने अपने बेटों में रखा, वही उन्होंने पोता पोतियों में रखा। ये है ज़ूबी साहिबा। पोपी प्लीज, मेरे ऑफिस से कुछ ख्याल करो। ख्याल करूं? क्यों करूं ख्याल? भाभी आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो कुछ नजर आ रहा है ना, वो गलत फहमी नहीं है, और काश मुझे ये गलत फहमी पहले ही हो जाती। बात करने वाली